श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, नवरात्रि के इस पावन मास के 4 दिन समाप्त हो चुके हैं। नवरात्रि के 5वें दिन माँ स्कंद माता की पूजा का विधान है। माता रानी की सच्चे मन से उपासना करने से भक्तों की हर मनोकामना पूर्ण होती है, ऐसी मान्यता है। तो आइए जानते हैं स्कंद माता को कैसे प्रसन्न किया जाए। नवरात्रि के 5वें दिन मान्यता है कि माँ स्कंद माता की उपासना से परम शांति और सुख का अनुभव होता है। माँ स्कंद माता को श्वेत रंग प्रिय है। माँ की उपासना में श्वेत रंग के वस्त्रों का प्रयोग करना चाहिए। साथ ही माता को खुश करने के लिए यह एक छोटा सा उपाय आप अवश्य करिएगा। आपको क्या करना होगा कि बाजार से 5 केले मंगवा लीजिएगा। ऐसी मान्यता है कि माता को केले का भोग बहुत ही ज्यादा प्रिय है। ऐसे में आपको क्या करना होगा कि शाम के समय यानी कि प्रदोष काल के वक्त किसी भी नजदीकी दुर्गा माता मंदिर या आपके आसपास कहीं पर भी माता की स्थापना की गई हो, वहां पर यह 5 केले और 1 घी का दीपक जरूर ले जाइएगा। यह उपाय आपको शाम 6 बजे से लेकर 9 बजे के बीच में करना है। सबसे पहले माता को केले अर्पित करिएगा, उसके बाद 1 घी का दीपक जो आप लेकर आए हैं उसे माता के दाहिने हाथ की ओर लगा दीजिएगा। जो आपने केले अर्पित करे हैं आपको उन्हें आरती होने के बाद प्रसाद के रूप में सभी भक्तजनों के बीच बांट देना है। ऐसा करने से सुख समृद्धि का वास होता है घर में, साथ ही में जो दुख परेशानियां आपके घर में है वह भी नष्ट होती है। माता आपकी हर मनोकामना पूर्ण करती है। हो सके तो जो नवरात्रि में उपवास नहीं रख रहे हैं वह इस दिन उपवास व्रत जरूर रखिएगा। अगर इस उपाय से जुड़ी हुई और कुछ जानकारी आप प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर पूछ सकते हैं। पंडित प्रदीप जी मिश्रा के ऐसे ही उपाय आगे भी जानने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में, बने रहिए चैनल के साथ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।